सीडब्ल्यूसी ने इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है। इसे लेकर रविवार को कहा गया कि पार्टी आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक के बाद पारित प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। कार्य समिति ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर भी जोर दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विश्वास है कि कांग्रेस को इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लोगों से निर्णायक जनादेश मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोगों से लगातार मिलने के लिए कहा है। खड़गे ने पार्टी लीडर्स से जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भी कहा, क्योंकि पार्टी अगले साल चुनाव में राष्ट्रीय लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर रही है। खड़गे ने कहा कि ये आराम करने का समय नहीं है। भाजपा के शासन में पिछले 10 वर्षों में आम लोगों की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं की चिंताओं पर बात करने से इनकार कर दिया है। इस मौके पर सोनिया गांधी ने पार्टी लीडरों को आत्मसंयम बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने मीडिया के सामने ऐसे बयानों से बचने के लिए भी कहा जो पार्टी के हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस पहले ही उन पत्रकारों और मीडिया ग्रुप्स की सूची जारी कर चुकी है जिनके साथ पार्टी अब कोई बातचीत नहीं करेगी। वहीं खड़गे की ओर से कहा गया है कि हमें व्यक्तिगत हितों को किनारे रखना होगा और अथक परिश्रम के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी की सफलता को प्राथमिकता देनी होगी। केवल एकता और अनुशासन से ही हम विरोधियों को हरा सकते हैं। ये कर्नाटक में साबित हो चुका है, जहां हम एकजुट रहे और सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन के साथ संघर्ष किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।